नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त न्यूज रूम में मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे और कहा कि कांग्रेस के दो बड़े नेता अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं, इसलिए जनता को अपसेट कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में बता दें कि विधानसभा चुनाव के बीच में कई दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में डेरा डाल रखा है और उसी कड़ी में हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, इसके अलावा जिससे चुनावी पारा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद नए मुख्यमंत्री जो हैं वो मध्य प्रदेश को मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले दिग्गजों के लगातार दौरे जो हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच आज यानी कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सिवनी जिले दौरे पर पहुंचे हैं और जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कई बातें उन्होंने कही है, कई बड़ी बड़ी बातें भी कही है। महाकौशल ने भाजपा को बार बार आशीर्वाद दिए हैं और इस बार भी महाकौशल ने भाजपा की महाविजय तय कर ली है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर सिवनी में बोलते हुए नजर आए। उसके अलावा बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये नजारा ये जनता जनार्दन की गारंटी है, भाजपा को जिताने की यह विजय की गारंटी है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निकली हुई गारंटी है। मध्य प्रदेश एक स्वर में कह रहा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो विकास है। ये भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिवनी जिले में करते हुए नजर आए हैं। कई बातें वो उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कमलनाथ की। दरअसल कमलनाथ ने एक बड़ा वादा किया है, कहा है कि गौधन खुशहाली से प्रदेश के विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर ये सारी चीज़ें हो रही है। पार्टियाँ जो है अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है, बहुत ज़्यादा वक्त जो है मतदान को नहीं बचा हुआ है। 15 नवंबर की शाम को जो मतदान जो प्रचार हैं वो थम जाएंगे, इसीलिए जो प्रचार प्रसार है वो तेज़ी से किए जा रहे हैं, दौरे दिग्गजों के लगातार किए जा रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक दलों की सक्रियता भी इस दौरान बढ़ चुकी है और एक दिन पहले ही पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखकर वादा किया है कि 1 जनवरी 2024 से उनके खाते में नारी सम्मान योजना की राशि आने लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा पत्र ही मेरा वचन और गारंटी है। इस तरह वो प्रतिदिन कांग्रेस के वचन पत्र में लिखे वचन और योजनाओं को दोहरा रहे हैं। पूर्व सीएम ने गौधन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्वीट कर कहा है कि गौधन के लिए दिए गए अपने वचनों को पूरा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने लिखा है कि गौधन खुशहाली से मध्य प्रदेश के विकास के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस सरकार 1000 गौशालाओं का निर्माण कर गौ माताओं को घर दिया जाएगा और फिर से गौधन मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा, नवीन गौशाला बनाई जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं करते हुए नजर आए हैं, वो अपने वचन पत्र को बार बार दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं मतदान को लेकर जागरूकता। दरअसल निर्वाचन अधिकारी ने शुरू की है मतदान की जागरूकता, साइकिल रैली निकाली है और इस दौरान वो लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब सिर्फ 12 दिन बचे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इलैया राजा टी ने मतदान करने की शपथ दिलाने के साथ साथ साइकिल रैली की शुरुआत की है। इसके अलावा बता दें कि रैली संपन्न होने के बाद जॉइंट्स ग्रुप की नेशनल साइकिलिस्ट सपना खत्री द्वारा इसका आभार भी व्यक्त किया गया। साइकिल रैली निकाली गई, इस दौरान लोगों से बातचीत की गई, लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल मध्य प्रदेश में मौसम जो है उतार चढ़ाव के दौर में है और उतार चढ़ाव का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है तो कभी कभी तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक एंटी साइक्लोन की वजह से हवाओं का रुख जो है वो बार बार बदल रहा है और इस कारण दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। वहीं आज दिन में तेज़ धूप के चलते तापमान में बढ़ोतरी होगी तो रात में 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, वहीं गुलाबी ठंड का एहसास भी होगा। तो फिलहाल न्यूज़ रूम में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।